गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर एक बड़े ही अहम उनवान ते तुस अहबाब ने गुफ्तगु सुनी। ओ खुश नसीब लोग जिन्ना लोगां दे नाल अल्लाह जुल जलाले वली कराम मुहब्बत करदे ने, इस तो बड़ी और सआदत और खुश नसीबी की हो सकती है कि अल्लाह जुल जलाल दा प्यार नसीब हो जाए। बंदा अल्लाह पाक दी मुहब्बत दा हकदार बन जाए। और यार, लोग दुनिया दियां गलीज मुहब्बतां दी खातर जलील हुंदे फिरदे ने, नजायज बदकार किस्म दी बेहयाई वाली मुहब्बत दी खातर नौजवान जाना देंदे फिरदे ने, खुदकुशी करदे फिरदे ने। नजायज मुहब्बत दी ही वजह तो कई जवान बेटियां ने बाप दी पग बदनाम कर दीती, मां दी चादर नु दागदार कर दीता, और कई नौजवान लड़कियां ने अपने मापिया नु जलील कर दिता, बरादरियां जलील कर दितियां। ओ मुहब्बत जड़ी दुनिया के अंदर भी जिल्लत का बायस है, तो कियामत नु ते कोई शक नहीं कि जहन्नम का बालन बन जाएगी। और सब तो पाकीज़ा मुहब्बत, सब तो अजीम मुहब्बत, उतला स्पीकर तो नहीं चलता वेखे, वो है कि इंसान नू अल्लाह जुल जलाल नाल प्यार होए और अल्लाह जुल जलाल अपने बंदे नाल मुहब्बत करन। और अल्लाह पाक किन्ना लोगों ना मुहब्बत करते ने। गुज़श्ता जुमे के अंदर को पांच सात चीज़ां बयान कीतियां, नबी पाक दी सुन्नत नाल प्यार कर, अल्लाह तेरे नाल मुहब्बत करेगा, तो अपने गुनाहों ते तौबा कर, अल्लाह तेरे नाल मुहब्बत करनगे, तो तहारत अल्लाह लई हासिल करया कर, अल्लाह जुल जलाल तेरे नाल मुहब्बत करनगे, तो लोगों नू मुआफ करया कर, गुस्सा पी जाया कर, अल्लाह दे दिते माल विचो अल्लाह दे राह विच खर्च करया कर, ऐलानिया भी करया कर, खुफिया भी करया कर, अल्लाह दी मखलूक नाल भला करया कर, अल्लाह जुल जलाल ते नाल प्यार करनगे, अल्लाह जुल जलाल ते नाल मुहब्बत करनगे। और अज दे जुमे अंदर भी चंद खुश नसीब लोगों का जिक्र करना है जिन्हें लोगों ने अल्लाह पाक मुहब्बत करते ने। फरमाया अल्लाह पाक ने, फरमाया फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, जड़े बंदे तकवा इख्तियार कर जान, जड़े बंदे अल्लाह दा डर अपने दिल विच बसा लैन, जड़े बंदे मुत्तकी बन जान, जड़े बंदे तकवे नू अपना लैन, अल्लाह पाक उन्हां बंदियां नाल भी बड़ी मुहब्बत करदे ने। अल्लाह पाक दी मुहब्बत दे हकदार ओ बंदे बन जांदे ने जड़े बंदे मुत्तकी बन जान। ते मुत्तकी कौन हुंदा है? जड़ा बंदा हर नेकी नू करन दी कोशिश करे ते हर गुनाह तो बचन दी कोशिश करे उनू मुत्तकी कहिंदे ने। जड़ा बंदा हर नेकी चाहुंदा है कि मैं अपना लवां, हर नेकी मेरी जिंदगी दा हिस्सा बन जाए, हर नेकी अंदर मेरा हिस्सा पै जाए, हर नेक अमल नू मैं करन वाला बन जा ते हर बुराई तो मैं बच जा, जिन्हों गुनाह किया जाता है
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਬਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਤਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿੱਬੁਲ ਮੁਤਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੁਤਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਕਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਗੁਰਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਕਿਲਾਓ ਮਖਰਜਾ ਵਯਰਜ਼ੁਕੂ ਮਿਨ ਹੈਸੂ ਲਾ ਯਹਤਸਿਬ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਕੀ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਉਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਇਹ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਪਰ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਹੈ ਤੇ ਹਬਸ਼ੀਆ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਦੇ ਨੇਕੀ ਤੇ ਤਕਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬਾ ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂ ਮੇਰੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੂਰੁਲ ਹੁਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਸੁਣ ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟੀਓ ਤੇ ਮਾਓ ਭੈਣੋ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ੈਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਏ ਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਦ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਰਹ ਅਹਜ਼ਾਬ ਭਾਈਏ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੈਦ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜ਼ੈਦ ਉਹ ਸਿਹਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਏ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੈਦ ਉੱਠਿਆ ਆਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਪੈਗੰਬਰਾ ਜੇ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੈਦ ਜਵਾਨ ਏ ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਜ਼ੈਦ ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏ ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਹਬਸ਼ੀ ਔਰਤ ਏ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਏ ਮੇਰੇ ਆ ਦੋਸਤਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਂ
हलाल दी वजह तो शादी करता है कि कोई बंदा किसी औरत दे खानदान ते उच्चे कबीले दी वजह तो शादी करता है। आप फरमाते हैं मेरे सहाबा तुसी औरत दे इमाम दी बुनियाद ते शादी करे जे तुसी औरत दी नेकी ते तकवे ते हया ते पर्दे दी वजह तो शादी करे जे औरतां दे माल नू ना वेख्या जे खानदान नू ना वेख्या जे कौम कबीले ते रंग ते कद काठ नू ना वेख्या जे। अल्लाह की कसम है लखां बीबियां माल दौलत वालियां रल जाण उसनों जमाल वालियां रल जाण ते जड़ी नमाजी ते नेक औरत ते उंदी जुत्ती दा मुकाबला भी नहीं कर सकदियां। सैयदा उम्मे अमन दे नाल मेरे पाक पैगंबर ने हजरत ज़ैद दा नकाह पढ़ा दिता है ते नेकी तकवा इन्ना सौम सलात दियां इन्नियां पाबंद ने मक्का पाक तो मदीना तैयबा जा रही ने ते रस्ते दे अंदर एक इलाका आ गया है जिथे पानी नहीं मिलता पिया जिथे पानी पीन नू नहीं मिलता पिया रेगिस्तान है पहाड़ी दे रेतला इलाका है ते बीबी उम्मे मन परेशान हो गई जान दे लाले पड़ गए कि जे पानी ना मिले ते मैं ते उन्हें मर जावांगी मेरी जिंदगी दियां डोरां ते मुक जाणगियां। तबकात इब्ने साद दे अंदर अलामा इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैह नकल करदे ने इस बीबी ने जंगल दे अंदर अरशाले रब दा कुंडा खड़काया अल्लाह पाक ने आसमान तो एक पानी दा डोल लटका दिता है पानी दा एक डोल लटका दिता है। सैयद उम्मे अहमद दे मुंह दे करीब डोल आ गया ते अम्मा जी उम्मे अहमद ये डोल पानी दा अपने मुंह नाल लगा लिया जिन्नी तलब है उन्ना पानी पी लिया ये डोल फिर उवें उतां चला गया है उवें वापस चला गया है। सैयदा उम्मे अहमद फरमादियां ने ये पानी पीण तो बाद फिर सारी जिंदगी कदे मैनू प्यास ने तंग ही नहीं किया मेरिया प्यास वालियां गल्लां ही मुक गईयां और मैं तक यजअल्लाहु मखरजा वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब। इस वाक्य अंदर ना दोवें गल्लां ही आ गईयां अल्लाह ने मौत दे मुंह चों भी कढ लिया ते पानी भी अता फरमा दिता है उतों पानी दिता है जितों मैं मुगमान भी नहीं मेरे आ दोस्ता जड़े रब दे बन जाण अल्लाह पाक फिर उन्हां दी कंड नहीं जे लगन देंदे अल्लाह पाक उन्हां नूं मुश्किलां चों इक वेला आंदा है जरूर कढ लैंदे ने। गार वालियां दा किस्सा तुसीं सुणिया ही है जड़े तीन बंदे गार दे विच फस गए अल्लाह पाक ने नेकी ते तकवे दी वजह तो गार दे मुंह चो कढ लिया है। असहाबे काफ दा किस्सा ते तुसी सुने आई है अल्लाह पाक ने इन्हां नूं गार दे विच कई सौ साल सुआ के जगा दिता है रिज़क भी अता कर दिता है जिंदगियां भी अता कर दितियां ने। फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन जड़े बंदे तकवा अपना लैन फिर अल्लाह पाक उन्होंने अपना बेली बना लैंदा रब की मुहब्बत ते रब की यारी नेकी अंदर जलियां पाया नहीं और यार घुंघरू पाया नहीं सावे चोले पा के गलिया विच नचणिया नहीं कवालियां दे नाल रब दियां मुहब्बतां नहीं जे मिलदियां बेहयाईयां दे नाल रब दियां मुहब्बतां नहीं जे मिलदियां नचियां रब दियां मुहब्बतां नहीं जे मिलदियां घुंघरुआं दे नाल रब दियां मुहब्बतां नहीं जे मिलदियां लिट्टां रखियां रब दियां मुहब्बतां नहीं जे मिलदियां। अल्लाह जुल जलाल दा प्यार मिलदा है गुनाह छड्डियां ते नेकियां करियां नेकियां कर अल्लाह पाक दियां मुहब्बतां मिलदियां ने किंज करके नेकियां करें आप आओ सुन लो त्याम दे नाल आमना दिलाल फरमांदे ने अल्लाह पाक नूं सब तों ज़्यादा ओ इबादत पसंद है जिहड़ी अल्लाह पाक ने अपने बंदियां ते फर्ज कर दित्ती है।
पांच नमाज़ पढ़ने वाला बंदा रब नू बड़ा ही चंगा लगता जे इस इबादत दा अल्लाह दे आ बड़ा मुकाम है। अल्लाह दे आ सब तो पसंदीदा अमल है, अल्लाह दी फर्ज की हुई इबादत है। फरमाया जेड़ा इस फर्ज इबादत दे नाल 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 नफल इबादत करता है वह बंदा ते मैं रब की मुहब्बत नू हासिल कर लैंदा है, वह ते मेरा प्यारा बन जाता है। जेड़ा पांच नमाज़ां दे नाल सुनता भी पढ़ता है, जेड़ा पांच नमाज़ां दे नाल इशराक भी पढ़ता है, जेड़ा पांच नमाज़ां दे नाल रात नू उठ के तहज्जुद भी पढ़ता है, जेड़ा पांच नमाज़ां दे नाल हर नमाज़ दियां सुनतां पूरियां अदा करता है, नफल पूरे पढ़ता है, ना सुनतां छड़दा है ना नफल छड़दा है। फर्ज नमाज़ां दे नाल नाल नफल इबादतां करता है। अल्लाह जुल जलाल ये ज्यादा इबादत की वजह तो अपने बंदिया नाल प्यार शुरू कर देंदे ने। जे रब दा प्यार चल इशराक पढ़िया कर, जे रब दा प्यार जानना है फिर चाश्त पढ़िया कर, जे रब दा प्यार जानना है फिर तहज्जुद पढ़िया कर, जे रब दा प्यार जानना है फजर दियां दो सुनतां कदे भी जाया ना होण दिया कर, जे रब दियां मुहब्बतां जानना है फिर जोर तो पहले फर्जा तो पहले जड़ियां चार सुनतां ने। मेरे पैगंबर ने फरमाया है जड़ा बंदा जोर तो पहले फर्जा तो पहले चार सुनतां पढ़ता है अल्लाह पाक उस बंदे नू तहज्जुद दा सवाब अता फरमा देंदे जे चार सुनता नाल तेनू सारी रात दी इबादत दा सवाब मिल जाए। और ननकाने वाले है कितना कीमती सौदा है जड़ा मैं ते तू जाया करते फिरने आ, सत मिनट लगते नहीं, बहुत ही शौक नाल पढ़े ते दस मिनट लग जाएंगे, बहुता तेज पढ़े ते पांच मिनट लग जाएंगे, पंजा मिनटा दिया चार रकतां दी वजह तो अल्लाह जुल जलाल तेनू सारी रात की इबादत का सवाब अता कर देंगे। और मेरे पाक पैगंबर दी सही हदीस आमना दलाल ने फरमाया जड़ा बंदा एक सलाम दे नाल चार सुनता पढ़ता है, यानी कठिया चार सुनता पढ़ता है, अल्लाह जुल जलाल उस बंदे लई आसमान दे सारे दरवाजे खोल देंदे ने, सारे दरवाजे खोल देंदे ने। और जड़ा बंदा जोर दे फर्जा तो बाद भी चार रकतां पढ़ता है दो दो करके, अल्लाह पाक उस बंदे ते जहन्नम दी अग नूं हराम कर देंदे ने। आप फरमांदे ने रहम अल्लाह उमरान, या अल्लाह मेरे उस उम्मती ते रहम फरमा, कयामत तक आने वाले उम्मतियां लई दुआ मेरे पैगंबर दी तू भी लै सकना ते मैं भी लै सकना। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह उस मेरे उम्मती ते रहम फरमा आए जेड़ा असर दे फर्जा तो पहले चार रकतां पढ़दा है। कितना कीमती अमल है नफल इबादत यार। आ सानू वाबियां नू दलीलां मिलियां ने फर्ज ही पढ़ लो नमाज हो जांदी है, वाह दीन दे ठेकेदारा किन्नियां कु तू नेकियां करना कि कल्ले फर्ज लई फिरना, सुनता पढ़िया कर सुनिया नमाज दियां कमियां पूरियां होणगियां, फर्ज नहीं पूरे होणगे तेरी नमाज में सुस्ती अल्लाह पूरी करेगा नफलां नाल। नफल पढ़िया कर, अल्लाह तौफीक देवे ते रात नूं उठ के तहज्जुद पढ़िया कर। बाबे मीर ने बड़ी गल कीती है, आंदे छड मंजी नींद ना प्यारी कर, ओए छड मंजी नींद ना प्यारी कर, उठ सज्जा ते असवारी कर, विच सजदे रो रो जारी कर, ओदा रो रो तखत हला दे तू, और साई वखदत नाद बजा दे तू, दिल को दसियां दे तड़फा दे तू, और जड़ी अख जगराता कट दी नहीं
जिथो रोकिए उथो हटदी नहीं, विच सजदे अथरो सटदी नहीं। तत्ता सुर बलेस विच पा दे तू, वावा लज्जत रात खलोने दी, वावा लज्जत। उन्होंने पुछ जड़े रात नू 2 बजे उठ पैंदे नी, इस लज्जत का पुछना ही उन्होंने पुछे जिन्हों की 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे अख खुल जाती है, जेडे फर्जा तो पहले कैदी बन के अल्लाह के दरबार में नाले कुरान पढ़ रहे होंगे ने, नाले अपने गुनाहों से रो रहे होंगे ने। वाह वाह लज्जत रात खलोने दी, हथ बन के कैदी होने दी। ओ सोने अल्लाह अगे रोने दी, खुद रो ते नाले रोआ दे तू, और अब्बा की अनेरी कोल गई है, तेरी खलकत तैनू भुल गई है, तेरे नबी दी उम्मत रोल गई है, इस उम्मत रहम फरमा दे तू। सब कह दो आमीन। इस उम्मत रहम फरमा दे तू। सुने जे रब दा प्यार चल फिर नफली इबादत करया कर, नफली रोजे रखया कर, नफली सदका करया कर, नफली इबादत नू रज रज के करया कर, शौक नाल करया कर। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, जड़ा नफल नमाज पढ़दा है अल्लाह जुल जलाल दा कुरान कहिंदा है अल्लाह नू अपने करीब कर लैंदे ने। कुरान पढ़ कुरान फरमाया बस जुद वक्त तारीफ तू सजदे कर, अल्लाह जुल जलाल तेनू अपना कुरब अता करन। मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, आमना दे लाल ने फरमाया मेरे उम्मतियो सजदे दुआवां करया करो, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदे दी सजदे विच मंगी दुआ रद नहीं जे करदे। सजदे विच दुआ करया कर, ओ मियां जे तेनू अरबी विच दुआवां नहीं आं ते सजदे पै के अपनी जबान विच अल्लाह पाक नू अपीलां करया कर, अल्लाह जुल जलाल दे सामने दुआवां करया कर। यही वजह सलफ सालेहीन भी कहिंदे ने कि दो जड़ा बंदा चाहुंदा है, जड़ा बंदा चाहुंदा है मैं अपने रब नाल हम कलाम होवां, मैं अपने रब नाल गल्लां करां, ओ या ते कुरान पढ़िया करे क्योंकि कुरान रब दा कलाम है, ते या सजदे पै जाया करे क्योंकि बंदा सब तो ज्यादा करीब अल्लाह पाक दे सजदे दी हालत विच हुंदा जे। सजदे कर सुनिया, सजदे नफल नमाज ना मुहब्बत कर, तेनू शौक हो इबादत दा। शौक पता की है, जुमे दियां पहलियां सुनतां दे मुतालिक कोई खास हुक्म नहीं, अल्लाह तेनू जिन्नी तौफीक देवे तू उन्नियां पढ़। काश तू दूसरी अजान तू भी पहले आके कदे 4 नफल कदे 8 नफल कदे 12 नफल कदे जनाब 50 नफल तेरे को हिसाब बने हुंदा कि इस जुमे मैं इन्ने नफल पढ़ने ने, इस जुमे इन्ने नफल पढ़ने ने, तू नफल पढ़ता जाता अल्लाह तेरी हर दुआ कबूल करते जाते। रब की मुहब्बत दे ते नफल नवाज अंदर, नब की मुहब्बत दे ते नफली रोदे अंदर, नफली सदके अंदर। अल्लाह जुल जलाल दा प्यार किन्ना लोगों नू मिलदा सुन लो ते आम दे नाल। मेरे पाक पैगंबर दा सही बुखारी दी हदीस है, आमना दे लाल ने एक काफला भेजा एक इलाके अंदर, ते जड़ा काफले दा अमीर बना के भेजे आमना दे लाल ने, जड़ा काफले दा मेरे पैगंबर ने चीफ कमांडर बना के भेजा, सिपा सलार बना के भेजा, ये नमाजा भी पढ़ाता है। काफले लश्कर जिहादी लश्कर दा अमीर भी है, इमाम भी है, ते खतीब भी है,
मेरे दोस्त एक गल मैं कर लगया जे इस नुकते ते और करना, मेरे पैगंबर दा हर सहाबी इमाम भी सी, मेरे पैगंबर दा हर सहाबी खतीब भी सी। इत्थे अज दा मुसलमान है जिन्हों इन्ना भी नहीं पता कि दो बंदे खड़े होके जमात करवा रहे ने ते मैं तीजे ने ना रलना है ते किवें रलना है, इहनू देना तरीका भी नहीं आंदा। इत्थे अज दे मुसलमान दी गल है जिंदा वजू चैक करिए ते पता ना लगे, और किन्ने मुसलमान जिन्हां नू गुसल दा तरीका ही नहीं आंदा। ते मेरे नबी दा हर सहाबी आलमे दीन है, मेरे नबी दा हर सहाबी इमाम है, मेरे पैगंबर दा हर सहाबी रसूल है, खतीब है, ये नमाज भी आप पढ़ांदा है। ते हर रकत अंदर फातिहा शरीफ तो बाद कुल हु अल्लाह अहद पढ़दा है, फिर कोई और सूरत पढ़दा है, ते एवें हर रकत अंदर करदा है। ते इहदे साथियां ने इतराज कीता कि जदो तू को होर सूरत पढ़ लैंदा है फिर तेनू फातिहा तो बाद कुल हु अल्लाह पढ़न दी की लोड़ है। आंदा है मैं ते एवें जमात करवानी है, ये ते मेरा शौक है, मैं ते एवें नमाज पढ़ानी है, तुहाडा जिवें दिल करदा है। ये काफिला जदों वापस आया के नबी पाक नू शिकायत कर दी, सोने महबूबा जड़ा तुसी साडा अमीर बनाया, ये हर रकत दे अंदर फातिहा शरीफ तो बाद कुल हु अल्लाह अहद सूरह इखलास पढ़दा है, फिर को और सूरत पढ़दा है। आपने फरमाया तू इंज क्यों करना है? आला सोने आले अन्नाहा सिफतुर रहमान, मेरे महबूबा ये सूरत विच रब रहमान दियां सिफतां ने, ये सूरत विच रब रहमान दी तौहीद दा जिक्र है, अल्लाह रब रहमान दियां शानां ने। कुल हो अल्लाह वहद, ओ कह दियो कि अल्लाह कल्ला है, अल्लाह समद, अल्लाह पाक बेनियाज है, लमिया ले दो अलम यो लद, ना रब नू किसे ने जनया ना रब विचों को पैदा होया है। अलम यकुल्लाहु कुफुअन अहद, ते रब दे बराबर कोई जात कोई नहीं है, रब दे बराबर कोई हस्ती कोई नहीं है, रब दे बराबर दी कोई जात ते हस्ती कोई नहीं जे। ओ ते अल्लाह वाहद ला शरीक है, ओ ते बेनियाज है, ओ बेपरवाह जात है, ओ अल्लाह जुल जलाल है, सारियां तो आला ते उच्चा है, ओ खालिक है दूजियां सारियां मखलूका ने, ओ रज़क है सारे रिज़क खान वाले ने, ओ अल्लाह जुल जलाल बड़िया उच्चिया शाना वाला है। आंदा सोने इंदे विच रब दी तौहीद है, इस वजह तो मैनू इस सूरत नाल प्यार है। आप फरमांदे ने अखबरू, इहनू खबर दे दियो, अल्लाह ताला यो हिब्बू, जे तू इस सूरत नाल अल्लाह दी तौहीद दी वजह तो प्यार करना है, फिर मैं अल्लाह दा पैगंबर तेनू खबर दे रहा कि मेरा अल्लाह भी तेरे नाल प्यार करता है। तू रब दी तौहीद नाल प्यार करना है, अल्लाह जुल जलाल भी तेरे नाल मुहब्बत करदे ने। इस हदीस विचों दो गल्लां मिलियां मेरे आ दोस्ता, इस सूरत नूं पढ़न वाले नूं भी अल्लाह पाक प्यार करदे ने, ते अल्लाह दी तौहीद नाल प्यार करन वाले नाल भी अल्लाह जुल जलाल प्यार करदे ने। मुशरक नाल रब दा कोई प्यार नहीं जे, मुशरक जिन्नियां मर्जी ने कियां करे, जड़ा रब तो इलावा किसे होर कोलों औलादा मंगदा है, जड़ा रब तो इलावा किसे होर कोलों रिजक मंगदा है, जड़ा रब तो इलावा किसे होर दे दर ते बह के नौकरियां मंगदा है, जड़ा रब तो इलावा किसे होर दे नाम दियां नजरों ने आस देंदा है, जड़ा अल्लाह तो इलावा किसे होर दे नाम ते दुध देंदा है, बकरे दिबा करदा है, चादर चढ़ांदा है। अल्लाह जुल जलाल इन्हां बंदियां नाल प्यार नहीं जे करदे, अल्लाह जुल जलाल नूं इन्हां बंदियां नाल कोई प्यार नहीं है, ते अल्लाह पाक प्यार करते ने तौहीद वाले नाल, अल्लाह जुल जलाल प्यार करते ने मुआहिदा दे नाल। यही वजह है अबू ला मेरे पैगंबर दा सका चाचा है भी सैयद है भी खूबसूरत है भी कुरैशी ते हाशमी है, खानदान भी उच्चा है कबीला भी उच्चा है मुशरक है। अल्लाह पाक ने सूरह लहब उतार के रहमदी दुनिया तक जलील कर दिता
ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੋਟੇ ਓਠਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁੰਦਰੀਲੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਟੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਹਰ ਵਲੀ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰਨਾ ਹੈ अल्लाह की मुहब्बत अल्लाह की तौहीद अंदर है अल्लाह की यारी अंदर है अल्लाह की रबूबियत नू तस्लीम करने अंदर है। सही बुखारी दी रवायत कुबा मस्जिद दा इमाम दुआ करो अल्लाह कुबा मस्जिद की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरे पैगंबर ने फरमाया जिहड़ा कुबा मस्जिद जाके दो रकतां पढ़ लैंदा है अल्लाह नू उमरे दा सवाब अता फरमा देंदे ने। मेरे नबी हर हफ्ते नू कबा मस्जिद जाया करते सन। मस्जिद नबी तो 4 किलोमीटर का पेंड है कदी आका पैदल जाया करते सन कदे मेरे मुस्तफा सवारी ते जाया करते सन। दुआ करो अल्लाह इन्हां शहरां दी ज़ियारत नसीब फरमाए अल्लाह मक्के मदीने दी हाजरी नसीब फरमाए। कबा मस्जिद दा इमाम ते फातिहा पढ़न तो बाद जो कोई सूरत पढ़ता है तो बाद विच कुल हो अल्लाह वाहद भी पढ़ता है हर रकत चेंज करता है। नवाजियां ने इतराज कर दिता अपने इमाम ते इमाम कहिंदा है तुसी जो मर्जी करो ये कम ते मैं करना ही करना है। बाद नवाजियां नू होर किते इतराज करन दी जगह ना लब्बे ते इमाम ते वट ते पिया मौलवी ते बन्ने ते ना जिन्हों घरों गवर्नमेंट गल ना सुने मौलवी के खत्ते जरूर पिया हुंदा एक अद्धी है जी झूठ किसे इमाम दे गले पैंदी है लियाउण वाला 100 बंदा हुंदा कढ़न लगे एक झूठ ही काफ़ी है एक खबीस ही काफ़ी है। और मेरे नमाजी भाइयो मेरे दोस्तों मैं हाथ बन के अपील करांगा मेरे जुमले ते गौर करे अजे ये जज्बाती जुमले नहीं अमल दे लिहाज ना बड़े अहम जुमले ने ए दाता अल्लाह जुल जलाल दा दरबार है ते तू फकीर है अल्लाह दा तू मंगता है अल्लाह जुल जलाल दा इत्थे फकीर बन के आया कर इत्थे मस्जिदा में चौधरी बन के ना आया कर इत्थे जज बन के ना आया कर इत्थे अल्लाह दे दर ते तू गुनाहों की माफ़ी लेना है ते कदे इमाम ते इतराज कदे जनाब किसे नमाजी ते इतराज आ बटन क्यों मंडिया आ पखा क्यों चलता है ये नमाजी इत्थे क्यों खड़ोंदा इमाम एक मिनट लेट क्यों होंदा। मैं लाहौर एक जगह एक बार जुमा पढ़ाया तो मैनू कहन लगे जड़ा इमाम घरों वजू करके आए पता नहीं करके आंदा कि नहीं उन्दे पिछे नमाज हो जाती है उन्दी नमाज हो जाती है। मैं क्या उन्दी हो जाती बेईमाना तेरी नहीं होंगी क्योंकि तेनू शक है ना। और मेरे पैगंबर ने फरमाया जो घरों वजू करके आंदा अल्लाह हर कदम एक कदम उठाया गुनाह मुआफ हो गया इन्हें दूजा कदम उठाया अल्लाह एक दर्जा बुलंद कर देंदे ने। सुनतां दा हुक्म ज्यादा है कि तू घरी पढ़ ओ अल्लाह वाला भावें रात नूं तहज्जुद पढ़दा है तू अपने 500 रुपया मसीते देना तो ठेकेदार बन गया कि वजू भी साढ़े सामने करे ये सुनतां भी साढ़े सामने पढ़े। और तेनों तो चाहिए सी तू पुछदा अपने इमाम नू तेरी जरूरियात की ने मस्जिद की जरूरियात की ने कदे किसे नमाजी ने किसे जमाता ने बह के अपने आइमा दियाँ जरूरत नहीं पुछियां ते गिले जरूर किते ने अपने आइमा नू जलील जरूर करते ने। आए दिन मस्जिद च इमाम क्यों बदलते ने खतीब क्यों बदलते ने गौर करना चाहिए मैं तुहानू। मेरे भाई कोई इंतजामिया का फर्ज है किसी मस्जिद का अपने आप नूं अल्लाह दे घर दा नौकर समझे घर दा मालिक ना समझे इन्हां घरां दा मालिक अन्नल मसाजिद लिल्लाह इन्हां मस्जिदां दा मालिक तू नहीं हो इन्हां दा मालिक अरशां वाला खुदा है। तू अपने रोब जगा के इन्हां मतलब विचार पैसे दे के तू मालिक बनना चाहना रब दा शरीक बनना चाहना। कबा मस्जिद दा इमाम पर सुन लो
बुखारी की रवायत है जेड़े बिला वजह अपने इमामा ते इतराज करन इमाम बद दुआ कर देन अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेंदे जे। खैर गल लम्मी ना हो जाए टाइम इजाजत नहीं देंदा। और करना मेरे वल्ले कबा मस्जिद दा इमाम दी शिकायत हो गई सोने हर रकत विच सूरत फातिहा शरीफ तो बाद कुरान पाक दियाँ और सूरतां पढ़न तो बाद कुल हु अल्लाह अहद शरीफ भी जरूर पढ़ता है इनू समझाओ। आपने फरमाया ओ मेरे सियाबी तू इंज क्यों करना है? आंदा सोने महबूबा मैनू इस सूरत नाल प्यार है। आ फरमाने ने फिर इन्हां दी परवाह ना करी तेनू ये सूरत दा प्यार अल्लाह दी जन्नत दा हकदार बना देगा। इस सूरत नू ज्यादा तो ज्यादा पढ़िया कर बड़ी आसान सूरत है जिहड़ी हर बंदे नू आंदी है। क्यों नहीं सारे नू आंदी है? कोई तुहाडे रोला तो नहीं उच्ची कहो सारे नू आंदी है। ते मेरे पैगंबर ने फरमाया जड़ा बंदा तीन वारी सूरह इखलास नू पढ़ लैंदा है अल्लाह पाक पूरा कुरान पढ़न दा सवाब अता कर देंदे ने। मेरे पैगंबर ने फरमाया जड़ा बंदा दस वार सूरह इखलास नू पढ़ लैंदा है अल्लाह पाक उंदा जन्नत विच इक महल बना देंदे ने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नू कोल बैठे इधर मेरे वल्ले तके आ जे ए ओ लोग सन जिन्हां नू अमल दा शौक सी नेकियां दे जज्बे सन। अर्ज कीती सोहणिया कोई ज्यादा पढ़े जे को दस वार तो ज्यादा पढ़े को दो कोई भी वारी पढ़ लवे को तीह वार पढ़ लवे को चाली वार पढ़ लवे को सौ वार पढ़ लवे। फरमाया उमर परेशान क्यों लें? क्या तेरा रब ज्यादा महल बनाने ते कादर नहीं है? क्या तेरा रब ज्यादा महल जन्नत वे देन ते कादर है कि नहीं? सुने रब ते कादर है। फरमाया तू ज्यादा पढ़िया कर अल्लाह तेरे जन्नत वे महल ज्यादा बना देंगे। और सुने इत्थे ते गेमां दी खातर वो की गेम है पबकी पबजी वह सानू ना ही नहीं आता। अल्लाह की रहमत है मैनू हाले तिकर नहीं पता भी वह गेम है कि पर सुने खबर की सुने के गेमां दे पिछे तीन नौजवान तेरे पंजाब दे मर चुके ने। तीन नौजवान खुदकुशी कर चुके ने। इन्हां गेमां ते बहुत सारिया गेमां ने अपने उलमा नू चेक करवाओ जिन्हां नू खेडना ते वेखना गुनाह है जिहड़ियां खेडना हराम है उन्हां विचों एक गेम भी खेडना हराम है। और मियां गेमां ते जाया ना कर अपनी जिंदगी दे आयाम बल्कि अपनी जिंदगी दा ये तरीकेकार बना कि मैं रोजाना कम अज कम एक सौ वारी सूरह इखलास नू पढ़ना है। आखो इंशाल्लाह जिन्हें नहीं पढ़ना और ना आखो जिन्हें पढ़ना आखो खा इंशाल्लाह। या अल्लाह इन्हां बंदियां नूं तौफीक अता कर दे। अल्लाह जुल जलाल की कसम है मैं तजर्बा किया भी तो पच्ची मिनट सारे लगते जे भी तो अज जुमे तो बाद ना तजर्बा तुसीं करके ना तो मैं दसना भी मैं सही किया कि गलत किया भी तो पच्ची मिनट। अच्छा दस वारी पढ़ीए एक महल बनता है तो सौ वारी पढ़िए तो अब्दुरमान साहब किन्ने महल बनते हैं? दस महल एक रोज बन जान तो यार अल्लाह जुल जलाल तो इंसाफ करने वाला है तेनों ये महल जरूर अता करेगा। और इतने एक कोठी नू रोना है इतने दो मरलिया नू रोना है तू दस वारी अल्लाह की तौहीद वाली सूरत इखलास नू पढ़ अल्लाह जन्नत वे तेरा महल बना देंगे। इत्थे ते गारे इत्थे सीमेंट लगेगा जन्नत वे जड़ा महल बनना है उंदी एक इट सोने की होएगी एक इट चांदी की होएगी उंदा गारा अल्लाह जुल जलाल कस्तूरी का बना देंगे। उंदे वे सतून अल्लाह हीरे ते जवाहरात दे बना देंगे। अल्लाह पाक दे कुरान नाल प्यार कर सूरत इखलास नू रोजाना किन्नी वारी पढ़ना है? मेरे नवाजिया ने किन्नी वारी पढ़ना है? ए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ते जिथे जिथे मेरा पैगाम पहुंचे इस वीडियो दे थले कमेंट करके दसना है कि किन्ने किन्ने पढ़ना शुरू कर दिता है। तो तीन वारी पढ़ेगा अल्लाह पाक के कुरान पढ़न दा सवाब दस वार पढ़ेगा जन्नत विच एक महल। हुण तेरी मर्जी है जिन्ने मर्जी महल बनवा लै सोने आप अपनी जिंदगी दे अंदर अल्लाह। और मैं कहना अल्लाह दी यारी लई पढ़िया कर अल्लाह जुल जलाल दी मुहब्बत लई पढ़िया कर वजू करके दो नफल पढ़। मेरी बेटी तेरे नाम भी पैगाम है मेरी माँ बहन तेरे नाम भी पैगाम है।
जवानो बजुर्गो गल सुन लो ते आम दे नाल मैं एक गल दसन लगे अज तवज्जो करे अज वजू करके दो नफल पढ़ फिर बह के अल्लाह दी मुहब्बत लई ए दुआ करके अल्लाह मैं तेरी मुहब्बत लैन लई अल्लाह मैं तेरा प्यार लैन लई ए सूरत नु 100 वारी पढ़ रहा एक हफ्ते दा कोरस कर वेख अल्लाह जुल जलाल तेरे दिल विच अपनी मुहब्बत किवें पैदा कर दे अल्लाह तेरियां मुश्किलां किवें आसान कर दे अल्लाह जुल जलाल लोगां दे दिल दे अंदर भी तेरा प्यार पैदा कर देंगे तेरियां मुहब्बतां पैदा कर देंगे अल्लाह जुल जलाल दा प्यार जानना है। और करना आखिरी बात अज दे जुमे अंदर मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया हक्कत मोहब्बती लिल मुताहाबीन फिया फरमाया जड़े दो बंदे आपस में अल्लाह ली मुहब्बत करते ने उन्हां ते अल्लाह की मुहब्बत भी हक हो गई उन्हां ते अल्लाह की मुहब्बत जरूरी हो गई। और मियां अल्लाह के बंदे नाल प्यार करया कर नेकां नाल प्यार करया कर उलमा नाल प्यार करया कर नमाजियां नाल प्यार करया कर हाजियां नाल प्यार करया कर अल्लाह दे दरवेश ते फकीर बंदे आ जड़े कारीए कुरान ने आ जड़े तालिबे कुरान ने आ जड़े तालिबुल हदीस ने यानी कुरान हदीस बनने वाले इन्हां बच्चियां नाल प्यार करया कर इन्हां आलमां ते हाफिज़ां ते कारियां नाल प्यार करया कर नेकां नाल मुहब्बत करया कर ते मुहब्बत अल्लाह दी रज़ा लई करया कर। अज मियां दुनिया दियां मुहब्बतां ते लालच दी रह गए अज दुनिया दे प्यार ते मुहब्बतां ते तमे दियां रह गईयां गरज दी मुहब्बत बन गई है लालच दी मुहब्बत बन गई है को दुनिया दा तमा ते लालच है ते इक दूजे नाल प्यार है वरना कोई किसे नूं बुला के राजी नहीं सक्का भरा भरा नूं बुला के राजी नहीं भैण भैण नूं बुला के राजी नहीं और मियां मुलेरां फुफेरां पतरेरां नाल यारियां मुक गईयां चाचियां मामियां नाल मुहब्बतां मुक गईयां मुहब्बत दे रिश्तियां विच मुहब्बतां मुक गईयां। पर जे तू अल्लाह लई मुहब्बत करे किसे बंदे दे नाल अल्लाह पाक लई किसे नाल प्यार करे ते फिर अल्लाह दी मुहब्बत भी तेरे ते हक हो गई। और बुखारी पाक दी हदीस है फरमाया रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैह वतफर्रका अलैह जेड़े दो बंदे अल्लाह दी रज़ा लई आपस विच प्यार करन जमा हुंदे ने ते अल्लाह वास्ते जे लड़ पैण ते अल्लाह वास्ते किसे दे गुनाह दी नफरत दी वजह तो नाराज हो गया है किसे दे जुल्म दी वजह तो नाराज होया है वरना मुहब्बत नमाज दी बुनियाद ते नमाज कुरान दी बुनियाद ते रोज़ियां दी बुनियाद ते ते नेकी दी बुनियाद ते फरमाया ऐसे दो बंदियां अल्लाह जुल जलाल कयामत वाले दिन अपना साया ता फरमा देंगे अल्लाह पाक दियां मुहब्बतां अल्लाह दे बंदियां दे प्यार विच ने अल्लाह वालियां दियां यारियां दे अंदर ने। और सुन लो सही मुस्लिम दी हदीस हज़रत अबू अदरीस खुलानी रहमतुल्लाह अलैह कबार ताबईन दे अंदर नाम है हज़रत अबू अदरीस खुलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी गुजरे ने बहुत बड़े मुहद्दस गुजरे ने। आंदे मैं दमिश्क दी जामिया मस्जिद दे अंदर एक दिन नमाज पढ़न लई गया वा ते वेखिया कि एक नौजवान बैठा है बड़ा खूबसूरत नौजवान है इन्दे जड़े सामने वाले दंद ने वो बड़े चमकां पे मारदे ने इन्दे सामने वाले दंदा विचों चमकां पियां निकलदियां ने दंद भी बड़े सोहणे ने इन्दा चेहरा भी बड़ा प्यारा है ये गल करदा है ते सारे दी गल नूं तवज्जो देंदे ने जे दो बंदे मसले तो झगड़ पैण इन्दे कोल चले जांदे ने ये जिहड़ा फैसला कर देंदा है इन्दे लोग फैसले दी भी कदर करदे ने लोग इन्दी गल्लां दा इतरा करदे ने। आंदे मैं किसे बंदे नूं पुछया ओए अल्लाह वाले आए नौजवान कौन है बड़ा प्यारा नौजवान है बड़ा नेक नौजवान है ये कौन है दसिया गया ए इमाम अबू अदरीस खुलानी रहमतुल्लाह अलैह ये नबी पाक दसिया भी हजरत मुआज़ बिन जबल सब को रजी अल्लाह तआला हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला नो अल्लाह दे पाक पैगंबर ने इत्थे मुबल्लिग बना के भेजे है आमना दे लाल ने दाई बना के भेजे है खतीब बना के भेजे है ते अगला दिन आया ना
हजरत अबू अदरीस खुलानी फरमाने ले मैं आज फजर दे वेले सब तो पहले मैं मस्जिद में जाना है, सारे नमाजियां तो पहले मैं जाना है। आने जे मैं मस्जिद में गया ते मेरे तो पहले मुआज़ बिन जबल अल्लाह दे घर विच मौजूद है, अल्लाह दे घर विच मौजूद है। ओ मियां एक दाई नूं अपना किरदार भी पेश करना चाहिए, एक खतीब नूं अपना अमल भी पेश करना चाहिए। अज्ज दे मामले साढ़े बड़े कमजोर ने, अल्लाह जुल जलाल की कसम है अमली बड़िया कुताइया ने, बड़िया कमजोरिया ने। शरीयत दा मिजाज ते वे मैं मुंह बल्लेगा जो मैं बयान करा, पहले अपना किरदार पेश करा, पहले अपना अमल पेश करा, पहले अपना किरदार पेश करा। दुआ करो अल्लाह सानू भी जो कुछ बयान करी दे अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे नौजवान खुताबा दे नाम भी मेरे भाइयों दे नाम पैगाम है, जवानों आओ मिल जुल के असी मिंबरां ते खड़े होइए, ओ बयान करिए जिंदे ते मेरा तुहाडा किरदार भी होवे, ओ बयान करिए जिंदे ते मेरा तुहाडा अमल भी होवे। हजरत मुआज़ मेरे तो पहले, हजरत अदरीस फरमान ने मेरे तो पहले अल्लाह के घर अंदर नमाज पढ़ी, इन्होंने दरस दिता है, लोगों ने मसले पूछे ने, लोग सारे चले गए ने, पर मुआज़ बिन जबल अल्लाह के घर विच हाले मौजूद है, हाले अल्लाह के घर विच बैठा है। लोग टुर गए ने, मौज अल्लाह के घर विच बैठा है, हाले अल्लाह के घर दियां यारियां ला के बैठा है। आने मैं कोल उठिया ते करीब आ गया, मैं क्या हज़रत मुआज़ बिन जबल जी मेरा नाम अबू अदरीस खुलानी है, ते मैं इथों दा बशिंदा वा, ते अपना तारफ करवाया। फरमाया मुआज़ जी तुसी सहाबी रसूल हो, ते सुन लो इन्नी ओ हिब्बो का, मुआज़ प्यारे आ मैं तेरे अल्लाह वास्ते मुहब्बत करना, अल्लाह दी रज़ा ली तेरे नाल मुहब्बत करना। ते इन्नी गल करके जो मैं उठन लग्या, हजरत मुआज़ बिन जबल ने मेरा कमीज पकड़ लिया, इन प्यार मैनू खिंचया, इन मुहब्बत मैनू खिंचया, तो खिंच के कोल बैठा लिया। तो कहते ने अबू अदरीस दिलों के आई आओ तो ब्याह करना है। आने मैं दिलों कह रहा कि मैं तुहाडे नाल मुहब्बत है। फरमाया जे तो दिलों कह रहे हैं कि मैं तेरे नाल मुहब्बत है, फिर मैं तेनों आमना दलाल का फरमान सुनाना, फिर मैं तेनों जगां दे पीर दी हदीस सुनाना। नबी पाक ने फरमाया, मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने, वाजा बात मुहब्बती फरमाया जे तू अल्लाह पाक लई मेरे नाल मुहब्बत करना है, फिर आमला दिलाल ने अल्लाह पाक दा हुक्म सुनाया, वकाल अल्लाह ताला वजबत मुहब्बती, फिर अर्शा वाला रब कहिंदा है जड़े आपस में मुहब्बत करन मेरे वास्ते, जड़े आपस में जमा होन मेरे वास्ते, जड़े आपस में एक दूजे ते खर्च करन ते मेरे वास्ते, मैं रब की रजा लई जड़े एक दूजे ते खर्च करन, एक दूजे के करीब बैठन, एक दूजे नाल मुहब्बत करन। वाजबत मुहब्बती, वाजबत मुहब्बती, इन्हां दो प्यार करन वालिया नाल अल्लाह जुल जलाल भी प्यार करना शुरू कर देंदे ने, इन्हां ते अल्लाह की मुहब्बत भी वाजब हो जाती है। अबू अदरीस खुलानी जे तू मेरे नाल प्यार करना है, फिर अज अपने दोवां ते अल्लाह दी मुहब्बत भी वाजब हो गई है। नमाजियो एक दूजे नाल अल्लाह लई प्यार करना शुरू कर दियो, अपने भरावां नाल अल्लाह दी रज़ा लई प्यार, अपनियां भैणां नाल अल्लाह दी रज़ा लई प्यार। ओ गंदियां मुहब्बतां दी खातर अपनियां जवानियां बर्बाद न करी, नजायज मुहब्बतां दी खातर अपनियां जिंदगियां दांत न लाई। ओ मोबाइल दियां मुहब्बतां कुरबान कर, गाणियां दियां मुहब्बतां कुरबान कर, फिल्मां ड्रामियां दियां मुहब्बतां कुरबान कर, अल्लाह वालियां दे लड़ लग गए, अल्लाह वालियां नाल यारियां ला ले। तू नेकां नाल प्यार करिया कर, इन्हां नेकां नाल प्यार करन वाले नाल अल्लाह जुल जलाल भी प्यार करदे ने। आखिर दावना लिल